बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपके साथ आलू बुखारे के शरबत की रेसिपी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बेनिफिट्स की तरफ। ये हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इससे हमारे दांत और हमारी हड्डियाँ भी मजबूत होते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिलता है। इससे कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है और ये हमारी आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन फंक्शंस को भी सपोर्ट करता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और ये हमारे सेल्स को डैमेज होने से भी बचाता है। तो अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हम 1 किलो आलू बुखारा ले लेंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे। उसके बाद हम इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। गुठलियाँ निकालने के बाद अब हम अपने आलू बुखारे को ब्लेंडर में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 1 ग्लास पानी भी ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और उसके ऊपर कोई भी स्ट्रेनर या कोई भी छाबी रख देंगे और उसमें अपना जूस डालेंगे। जूस डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद अब हमारा जूस बिल्कुल रेडी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताएंगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।